दोस्तों, अगर आपका भी मोबाइल कवर टूट गया है और आपको नया नहीं खरीदना है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने पुराने मोबाइल कवर को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से उसको नया बना सकते हैं। दोस्तों, इस टाइप से कवर बनाने से अगर आपका मोबाइल एक बार गिर भी जाए तो आपका मोबाइल नहीं टूटेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने यहाँ पे जो हमारा बैक ग्लास था वो उसके फ्रेम से, कवर के फ्रेम से निकाल दिया है और उसका साइज जो है हमने एक जो हमारी एक्रिलिक सीट होती है उस पर ले लिया है। एक्रिलिक सीट मतलब ग्लास वाली जो एक्रिलिक लेमिनेट होती है उसको बोलते हैं। तो ये हमने एक्रिलिक सीट पर उसका निशान ले लिया। अब दोस्तों, इसको जो है आपको काट लेना है। काटने के लिए आपको कुछ भी नुकीली चीज़ यूज करनी है, जैसे कि लेमिनेट कटर है तो उसको हमने यहाँ पे यूज किया है। तो लेमिनेट कटर सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करके दोस्तों इसको काट लेते हैं प्रॉपर साइज में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो है हमारा प्रॉपर साइज में है, लेकिन इसमें भी अभी एक कमी है। दोस्तों, कमी क्या है इसमें है, ये जो है हमारा जो गोलाकार यानी कि कॉर्नर होते हैं, कोने जो हैं हमारे राउंड होते हैं, तो उनको भी हमें प्रॉपर साइज में, जैसे ही उसके होते हैं जो बैक कवर हमारा ग्लास बैक कवर का, उसी के तरह इसी के जो है कोने गोल कर देने हैं। दोस्तों, उसके बाद जो आपको है इसके कैमरे का भी साइज निकालना है, जितना हमारा कैमरे का स्पेस है, ठीक है, वो भी निकालना है। तो उससे पहले सबसे पहले हम पत्थर से एक इसके कोने को राउंड कर लेते हैं। दोस्तों, कोने को, चारों कोने को राउंड कर लीजिएगा जिससे कि हमारा फ्रेम में एकदम सेट हो सके। तो दोस्तों, इसे जो है आप जल्दी से यानी कि राउंड कर लीजिएगा चारों तक एक साइज में, यानी कि प्रॉपर साइज में आपके आने चाहिए चारों कोने, ठीक है। जैसे जो हमने इनको जो है अच्छी तरीके से चारों तरफ से राउंड कर लिया है। दोस्तों, राउंड करने के बाद आप देखेंगे आपका जो है कुछ सरफेस यानी कि इसका जो साइज है कुछ इस तरीके का डिज़ाइन यानी कि दिखाई देगा, यानी कि चारों तरफ से आप कोने देखेंगे तो एकदम बराबर साइज में यानी घूम चुके हैं, जैसे कि हमारे बैक कवर के फ्रेम के थे, ठीक है, उसी तरीके से एकदम हमारे प्रॉपर तरीके से घूम चुके हैं। अब दोस्तों, इसका जो है हम जो अपना कैमरा होता है, कैमरे का जगह उसको भी निकाल लेंगे। निकालने के लिए दोस्तों आपको इसका जो बैक कवर हमने ग्लास वाला निकाला था उसी से साइज ले लीजिएगा अपने एक्रिलिक सीट पर। तो हमने यहाँ पे एक्रिलिक सीट पर उसी का साइज एकदम प्रॉपर ले लिया है। दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके से यानी कि डिज़ाइन में, यानी कि जो अपना डिज़ाइन था बैक कवर का, उसी तरीके से आपको साइज ले लेना है। उसके बाद आपको दोस्तों इसके जो निशान लिया है चारों तरफ किसी भी तरीके से इसको काट दीजिएगा, चाहे आप ड्रिल कर करके इसको काट दीजिएगा। हमने यहाँ पे ड्रिल करके काटा है, वैसे आप इसे कटर से भी काट सकते हैं, जो अपना अभी माइका लेमिनेट वाला कटर था उससे भी आप काट सकते हैं आसानी से, लेकिन हमने यहाँ पे ड्रिल कर करके इसको जल्दी से एकदम निकाल लिया है। दोस्तों, निकालने के बाद कुछ इस तरीके का सेफ आ गया हमारा। अब ये जो है हमें रेगमाल वगैरह से घिसना पड़ेगा जिससे कि हमारा साइज जो है एकदम ठीक आ जाए। देखिए, अभी जो है हमारा कुछ इस तरीके का लग रहा है, लेकिन हमें जो है ये प्लेन करना है अंदर से। अभी जो है ये ड्रिल का निकाला हुआ है, ठीक है। अब रेती वगैरह या रेगमाल से इसको अच्छे तरीके से सेट कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं जो है इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेता हूँ। अब दोस्तों, आपको जो है इसको रेती वगैरह से या रेगमाल से आपको इकसार कर लेना है अच्छे तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको इकसार कर लिया प्रॉपर तरीके से, जो कि हमारा कैमरे की जगह में आसानी से सेट हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको भी अपना एक्रिलिक सीट का इसको सेट कर लेना है। अब दोस्तों, इसमें जो है आपको लगाकर देखना है, जो मोबाइल फ्रेम यानी बैक कवर का फ्रेम था उसको आप लगाकर देख लीजिएगा, जो कि रबड़ की तरह होता है, ठीक है। इसको जो है हम लगाकर देखते हैं। दोस्तों, इसमें लगा के देखने के बाद दोस्तों ये जो है हमारा एकदम सेट आ रहा है। अब इसको रोकने के लिए हमें एक फेविकी की भी ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये जो है इसमें खांचा दिया होता है थोड़ा सा, जो कि इसके अंदर सेट भी हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर फेविकी का यूज़ करेंगे ताकि किसी भी तरीके से ये जोर से यानी कि थोड़ा जोर लगाने पर भी आसानी से ना निकले खांचे में से, ठीक है। तो हम जो है एलपी जो है बैक साइड से डालेंगे। दोस्तों, आगे से नहीं डालनी है आपको, क्योंकि आगे से आपकी दिखाई देगी। तो आपको जो है बैक साइड से डाल लीजिएगा जिससे कि अच्छी तरीके से आपकी यहाँ पर सेट हो जाए, ठीक है। दोस्तों, आपको जो है इस तरीके से ये सेट कर लेनी है। दोस्तों, सेट करेंगे तो आप इसको देख लेंगे, यानी कि पीछे से आपको इसमें फेविकी भी डालनी है, जिससे कि आगे से डालेंगे तो दोस्तों दिखाई देगी फेविकी, और पीछे से डालेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है 100%, यानी कि आपको एलपी जो है पीछे की साइड से ही लगा ली है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको जल्दी से सेट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको दिखाते हैं हमारा बैक कवर कितनी आसानी से और कितना अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर अब सब तरफ से एलपी लगा दिया है अच्छे तरीके से, जिससे कि आसानी से निकल ना पाए, यानी कि कितना भी जोर लगाएंगे आपको जब तक टूटेगा नहीं तब तक निकलेगा नहीं, ठीक है, यानी कि जब तक टूटेगा नहीं जब तक छूटेगा नहीं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक बैक कवर आपका बनकर तैयार हो गया। अब दोस्तों, आप इसको लगा कर देख लीजिए कितना आसानी से सेट भी हो गया है दोस्तों, और ये कितना अच्छा आपके मोबाइल में लग रहा है। दोस्तों, एकदम परफेक्ट तरीके की लुक आपके मोबाइल को ये बैक कवर देगा। दोस्तों, ऐसा जो है आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा,
का इस टाइप का कवर, क्योंकि एक्रेलिक शीट का कवर बहुत ही महंगा मिलता है। ठीक है, ये जो है देखिए, अब आप एकदम कितना अच्छा और स्मूथ यानी कि दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसे जो है आप देखेंगे पीछे से भी, तो ये देखिए किसी भी तरीका, यानी कि आगे से तो आपका मोबाइल कैसे भी दिखाई दे लेकिन पीछे से एकदम यूनिक तरीके का दिखाई देगा। तो दोस्तों एकदम ये हमारा परफेक्ट तरीके से मोबाइल का कवर बन चुका है। और दोस्तों मैं इसका पुराना भी दिखा देता हूँ, कैसा अपना भाई यानी कि पुराना था दोस्तों। ये जो है पुराना इस तरीके से बिल्कुल टूटा हुआ था और मैंने इसको नया रिप्लेस कर दिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल।